हमारे साथ रफीक बाबू हैं अपने कलकत्ता मढ़ियापुर से। हाँ अभी हम लोग एंजॉय करने आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं और घूम रहे फिर रहे हैं। तो लंबा हाथ है, तुम अपने हाथ में पकड़ो, लंबा हाथ है। ये है नजारे समुंदर का, सफदर अली मढ़ियापुर सरकास नेपाल सबसे आ बांग्लादेश खुदा की कुदरत। देखिए देखिए इधर यहाँ का पानी कितना साफ है। ये अभी हम लोग दमाम के एरिया कुवैत बॉर्डर के पास में खबजी नाम है इलाके का, ये उसका सी एरिया है। पानी कितना साफ है, जबरदस्त एकदम पानी। कितना मजेदार है यहाँ का पानी, साफ सुथरा है। बम्बई में एकदम कचड़ा रहता है। सब सब पानी एकदम मस्त है, साफ सुथरा। फिशिंग भी कर रहा है लोग इधर। ये देखो ये हमारे बांग्लादेश के भाई हैं, हमारे साथी। ये हमारे सफदर अली हैं और ये खूबसूरत सा नजारा पानी का। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सामने फिशिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कितना साफ पानी है, तो कितना साफ है पानी। देख हम लोग यहाँ समुंदर है, पता नहीं क्यों हम लोग यहाँ सब चीज खराब है। एकदम नीला पानी दिख रहा है, ग्रीननेस में साफ सुथरा पानी। ऐसा में कचरा नहीं फेंकता इधर लोग समुंदर में। पता कैसे चलेगा समुंदर से घूम के आ रहे हैं। ये खबजी का बीच है, खबजी बीच सऊदी में फेमस है। यहाँ पे जुबैल है, खबजी है, कुवैत है, इन सब एरियो में सब है। चलो उधर चलो प्रकाश, चप्पल पहन गया है, ठीक किया प्रकाश।
जाने क्या होगा रामारे। इधर पूरा बालू भी साफ है, थोड़ा बहुत तो कचरा पब्लिक करता ही है, वो तो पब्लिक का जन्म से अधिकार है कि कचरा करो, उसका अधिकार है कचरा करने का। हाँ हमको देख के रफीक, बी केयरफुल। ये भाई लोग फिशिंग करते हुए देखे, माशाल्लाह फिशिंग करते हुए लोग। ये देखो कितना जबरदस्त फिशिंग हो रहा है, वाओ फिशिंग करते हुए लोग। वाह वाह, एश ये अब क्या आएगा लहर में इसको लेगा। ये लहर ये तुम तो लंबे पकड़ लोगे साहब, तो चलते चलते मछली भी पकड़ लोगे।